ये जो बनाई है ना, दूसरा ही चीज गलत बनाई है। देखिए अब ये बनाई है ऐसे, -1 दिया हुआ है सेकंड वाला, फिर -5 की है, तो फिर क्या ही लिख दी है, -5 में से -1 करके और ये 4 लिख दी है, जो कि ये इसका इनकोरेक्ट है। आंसर तो सही लिख दी है लेकिन इसका इनकोरेक्ट है। -1 में से क्या करना है, -1 में से घटाना है कितना, -1 में से माइनस करना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -1 + 5 हो गया। तो इसको अगर अगला स्टेप और लिखना चाहते हो तो 5 - 1 = 4 आंसर हुआ, या फिर यही लिख दो 4 आंसर। ये हुआ इसका करेक्ट मेथड, समझ में आया। आ गया ना समझ में, आगे बढ़ रहे से। अब तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या बोला, इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है भाई, अ कॉमन डिफरेंस ए इक्वल टू कितना दिया हुआ, 10, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ, 10, समझो दोनों 10 10 दिया हुआ। तो इसका पहला टर्म कितना हो जाएगा, एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10, और दूसरा टर्म क्या निकालेंगे, a+d करके निकालते हैं, तीसरा टर्म a+2d करके, a+3d करके, समझ गए ना, ऐसे चलते रहता है डॉट डॉट डॉट। तो इसको जैसे करेंगे तो पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म a+d करेंगे तो 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज में ये एपी पढ़ रहा है, समझ गए ना। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया क्या। सेकेंड का 5वां नंबर, ठीक है, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ -1.25, डी इक्वल टू दिया हुआ है 0.25 माइनस में, ठीक है। तो पहला टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं, एपी हम लोग लिख रहे हैं, एपी का सीरीज, तो पहला टर्म तो -1.25 ही हो गया, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, -1.25 और प्लस में कितना, डी 0.25, तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, -1.25 में कितना जोड़ देना है, इस बार डी को दोगुना करके 2d, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, ये -0.5 हो जाएगा, तीसरा टर्म कितना आ जाएगा 1.25, और इसमें कितना जोड़ देना है, अब इस बार 3 गुना करके डी को, तो -0.75, इसको अगर और फिर डॉट 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 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहला टर्म -1.25, दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा ना, दोनों दोनों में माइनस का साइन है, दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, -1.50, तीसरा कितना हो जाएगा -1.75, चौथा कितना हो जाएगा -2, समझ गया ना, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, फिर अगला कितना हो जाएगा -2.25, फिर अगला कितना हो जाता -2.50, तो ये ऐसे बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस इतना का था और ए का वैल्यू इतना था, समझ में आया, 1.25 है ए, समझ में आया जी, दोनों को समझ में आया। समझ में आ गया, तो इसका भी बचा हुआ 1 2 3 4 5 फिर से अपने मन से बना के भेजिए जल्दी।
बन गया जी क्वेश्चन सबका। उधर बातचीत करने हम चले गए थे। हाँ हाँ आंसर मिला लेना तुम लोग पीछे से, ठीक ना? सही है, जहां तक हम तो चेक किए हैं तो सही है ना, है हम तो मिलाए हैं तो सही है आंसर मिलाने वाला तुम लोग, ठीक ना? ये वाला हम अभी नहीं बताएंगे, वीडियो चढ़ाएंगे उसको, जो देखेगा वही चारों क्वेश्चन बनाएगा, नहीं है तो नहीं हम बताएंगे। अब दोबारा वीडियो चढ़ाएंगे कल वाला तब। Which of the following are AP? If देखो AP, अब चार को क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, एक को हम जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एक वो सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 इस तरह का, एक वो आपको दिया हुआ है 2 के बाद 3 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इसमें देखोगे कि 2 में 4 में से 2 को की घटाओगे तो 2 आएगा, मतलब से फिर इसमें से भी घटाओगे तो ये 2 ही आएगा, इसमें से भी करोगे तो 2 ही, मतलब ये +2 का ही कॉमन डिफरेंस इसका चल रहा है। लेकिन इसमें चेक करोगे तो यहाँ पे तो +1 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो जा रहा है, फिर +2, कुछ पते नहीं चल रहा है कि क्या है। तो जब तक कॉमन डिफरेंस हर दो टर्म को घटाने के बाद मतलब सेम नहीं लगे तो वो एपी में नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका डी का वैल्यू सबका 1 होना चाहिए। जैसे ये पहला का चेक करते हैं, इसका 4 में से 2 घटाए तो कितना हुआ, 4 में से 2 घटाए तो 2 हुआ, 8 में से 4 घटाए थे कितना हुआ, 4 हुआ, 16 में से 8 घटाए थे कितना हुआ, 8 हुआ। तो देखो 1 डी आ रहा है, 2, 1, 4, 1, 8, तो ये एपी में नहीं है। पहला क्या है, नॉट इन एपी, नॉट इन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, ओके समझ गए ना? दूसरा देखते हैं, दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा में स्पष्ट है कि पहला 2 है, दूसरा 2.5 है, 5/2 को हम तोड़ लिया पॉइंट में तो 2.5 आ गया, 3 आ गया, फिर 3.5 आ गया। इसमें अगर घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस 0.5 का चल रहा है, कॉमन डिफरेंस दोनों में घटा के देख लीजिए, 3 में से 2.5 भी घटाइएगा तो 0.5 का कॉमन डिफरेंस। तो ये वाला एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कुछ कुछ क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो इसमें 10-12 को क्वेश्चन है, अपना अपना एनसीईआरटी किताब निकालिए, बना के भेजिए जल्दी, कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। 15 को है क्वेश्चन, 15 जल्दी बना के भेजो 5 मिनट में, और जो नहीं समझ में आएगा उसको 5 मिनट बाद बताएंगे, ठीक ना? चार का 5वां नंबर, ठीक है 5वां नंबर देख लो यार, 5वां नंबर देख लो, इसको घटाओ तो इसका डी का वैल्यू कितना निकलेगा, पहला D1 कितना निकलेगा इसका, तो 3+√2 − 3 करोगे तो ये 3+√2 में से 3 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, और 2√2, 3√2। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे तो ऐसे ही मतलब दिख जा रहा है ना, यहाँ पे अगर घटाओगे, अगर 3 को कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा, 3 को कॉमन ले लिए अगर हम, इसको क्या करो ना, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि √2 को क्या कर दीजिए ना, देखिए इसको इतना आसान मत समझिए, ये चीज का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, ये जो बढ़ रहा है ना, जैसे यहाँ तो दिख जा रहा है कि यहाँ क्या बढ़ा, √2 बढ़ा, फिर √2 भरा यहाँ, फिर √2 भरा यहाँ, यहाँ तो एकदम इजीली दिख जा रहा है, समझे ना, यहाँ तो इजीली दिख जा रहा है कि बढ़ा, लेकिन भाई इसमें गलती हो सकता है, 3+√2 में से 3 घटा दिए थे, 3 से 3 कट गया तो D1 का वैल्यू कितना आ गया, √2 आया ना,
उसी तरह से डी टू का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 3 + 2√2 है, इसमें से घटाओगे कितना, 3 + √2 घटाओगे, तो 3 से 3 + - कट जाएगा, इसको घटाओगे तो फिर ये √2 बचेगा, तो पांचवा क्या है आपका, सबका √2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा, तो ये एपी में है, एपी में है, समझ गए ना, पांचवा नंबर समझ गए, एपी में है कैसे। ऐसे दिख भी जा रहा है, दिख भी जा रहा है, लेकिन दिखने से नहीं, इसको कॉपी पर उसे बना के प्रूव करना पड़ेगा कि एपी में है। दोनों को समझ में आ गया? कौची से बजी थी, अरे क्या इसे बजी थी, तुम लोग का होमवर्क यही है भाई, 15 क्वेश्चन बना के भेज दो, फिर सेकंड चैप्टर कल पढ़ाएंगे, और अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसको पहला क्वेश्चन का आंसर जानना है फिर से वो वीडियो देखेगा आराम से, ये 15 क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है ना। बना के भेजो जल्दी।